डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर सेवन टॉपिक गेनिंग रेशियो आज हम गेनिंग रेशियो डिस्कस करने वाले हैं गेनिंग रेशियो हमने पुराने वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था और प्रीवियस चैप्टर में भी हमने यही रेशो कैलकुलेट किया था तो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है बहुत ईजी है पहले हम कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं गेनिंग रेशो का गेनिंग रेशो का फॉर्मूला जो होता है ये होता है हमारा गेनिंग रेशियो इज़ इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो अगर क्वेश्चन में दोनों रेशियो गिवन है न्यू और ओल्ड तो न्यू रेशियो में से अगर हम ओल्ड रेशियो को माइनस कर देंगे तो गेनिंग रेशियो आ जाएगा हमने ऐसे ही चैप्टर फाइव में सेक्रीफाइजिंग रेशियो भी पढ़ा था सैक्रीफाइजिंग रेशियो बस इसका ऑपोजिट था उसमें क्या था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ओल्ड में से हम न्यू को माइनस करते हैं तो सेक्रीफाइजिंग आता है और न्यू रेशियो में से ओल्ड को माइनस करते हैं तो गेनिंग आता है सेक्रीफाइसिंग हम एडमिशन में यूज करते हैं और गेनिंग हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर में यूज करते हैं हमने लास्ट चैप्टर में भी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किए थे अब यहाँ देखते हैं हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसिज इन द रेशियो फोर इज टू थ्री इज टू टू तो हमें ओल्ड रेशियो गिवन है यहाँ ओल्ड रेशियो है फोर इज टू थ्री इज टू टू ए डाइड जो जिसकी डेथ हो रही है उसे सर्कल कर लीजिए जिस पार्ट जो पार्टनर रिटायर होता है या जिस पार्टनर की भी डेथ होती है उसके लिए गेनिंग रेशियो नहीं निकलता पर टोटल हम पूरा ही लेते हैं और न्यू रेशियो हो गया हमारा टू इज़ टू वन तो न्यू रेशियो टू इज़ टू वन अब हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो ठीक है तो अब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू माइनस ओल्ड मतलब बी के लिए कैलकुलेट करेंगे हम टू बाय थ्री माइनस थ्री बाय नाइन ए के लिए गेनिंग रेशियो नहीं निकलेगा टोटल मैंने पूरा लिया है फोर प्लस थ्री प्लस टू इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है तो ये आ जाएगा नाइन सिक्स माइनस थ्री ये आ गया थ्री बाई नाइन ऐसे ही हम सी के लिए कैलकुलेट करेंगे सी का शेयर है वन बाई थ्री माइनस टू बाई नाइन एल सी हम लेंगे थ्री माइनस टू वन बाई नाइन तो हमारा आंसर आ गया गेनिंग रेशियो का गेनिंग रेशियो होगा हमारा थ्री एज टू वन बहुत ही सिंपल है पहले भी कर चुके हैं हम है ना तो ये हमारा आंसर आ गया गेनिंग रेशियो थ्री एज टू वन एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेडा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो वन बाय थ्री वन बाई सिक्स वन बाय थ्री एंड वन बाय सिक्स तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम ना हो तो पहले तो डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है तो हम डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले वन बाय थ्री वन बाय सिक्स वन बाय थ्री और वन बाय सिक्स एल सी एम आएगा सिक्स तो टू इज़ टू वन इज टू टू इज टू वन तो ओल्ड रेशियो हमारा आ गया टू वन टू वन अब देखते हैं न्यू रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में y डाइड तो डब्ल्यू एक्स वाई वाई की डेथ हो रही है हमने उसे सर्कल कर लिया उसके लिए गेनिंग रेशियो हम नहीं निकालेंगे एंड द न्यू रेशियो इज़ इक्वल अब चार पार्टनर है एक की डेथ हो गई तो तीन बचे हैं तो न्यू रेशियो होगा वन इज टू वन इज़ टू वन अब हमें कैलकुलेट करना है गेनिंग रेशियो तो फॉर्मुला लगाएंगे गेनिंग रेशियो का न्यू माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो तो ये आ जाएगा वन बाय थ्री माइनस टू बाय सिक्स एलसीयम लेंगे सिक्स ये तो आ गया ज़ीरो ये आ गया डब्लू के लिए एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे वन बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स तो ये आ जाएगा हमारा वन बाय सिक्स और ऐसे ही z के लिए कैलकुलेट करेंगे वन बाय थ्री माइनस वन बाय सिक्स तो ये भी आ जाएगा हमारा वन बाय सिक्स तो हमारा गेनिंग रेशियो आ जाएगा जीरो इज़ टू वन इज़ टू वन तो ये था हमारा पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक तीन वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमें न्यू रेशियो गिवन हो तो कैसे कैलकुलेट करना है गेनिंग कैसे कैलकुलेट करना है और अगर सिर्फ ओल्ड रेशियो हो तब न्यू और गेनिंग कैसे कैलकुलेट करना है तो ये हमारा टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे गुडविल थैंक यू